सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फिल्म इंजेक्टेड इंडियन। मैं हूं आपका होस्ट अंकुल सिंह, और जी हां, आप देख रहे हो सामने हम वापस है एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। एंड ही ऑल्सो एंजॉयड द बाइक। तो हम वापस हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज आप देख सकते हो हमारे पास में हार्ली डेविडसन 750 स्ट्रीट रॉड। बाय गॉड यार, क्या लग रही है ये अपने गन मेटल ग्रे कलर में। अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो मेरे हिसाब से आई प्रेफर द स्ट्रीट रॉड ओवर द स्ट्रीट, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मॉडर्न और रेट्रो लुक दोनों मिक्स हो जाता है। जो आप देख सकते हो ये जो हैंडल बार है, दिस इज़ वेरी थोड़ा ऊपर होती है कंपेयर टू स्ट्रीट। एंड ये वाइजर लगा होता है आपका, जिससे थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ जाता है, नहीं तो स्ट्रीट में सिर्फ आपकी गोल हेडलाइट लगी हुई होती है। द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद दिस कर्व इन इट, काफ़ी ब्रॉड टायर है। दिस इज़ अ 749 cc 8-valve वी ट्विन सिलेंडर इंजन, जिसकी मैक्सिमम टॉर्क इज़ अराउंड 62.5। पावर फिगर्स का भाई मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च करा। ये देखिए आप, वी ट्विन ट्रेडमार्क आपका, एक सिलेंडर ऐसे एक सिलेंडर ऐसे वी में आपका बना हुआ, बहुत बड़ा आपका रेडिएटर लगा हुआ है सामने से आप देखिए ये, और कितने हैवी ड्यूटी इनके लेग गार्ड्स दिए हुए हैं। मैं अभी चला के लाया तो एक चीज़ तो मुझे पहले सबसे पहले फील हो गई, इसकी हीट। मतलब आप देख रहे हो ये पूरे जो आपके एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं एक में, यहाँ बहुत गर्मी रहती है, प्लस इंजन भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो सारी की सारी हीट जो है वो पैरों पे लगती है। बट ये है कि भाई बहुत टॉर्की बाइक है, बहुत तेज़ी से पिकअप पकड़ती है। मैं आपको मतलब फीलिंग का मैं बता नहीं सकता, मतलब इट्स अ गेट गो बाइक। आपने एक्सेलेटर दिया नहीं कि ये एकदम से उठ जाती है। सामने से देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है, इंडिकेटर्स के अंदर भी हार्ले डेविडसन का लोगो दिया हुआ है बीचों बीच में। बाइक के इंजन के बारे में तो आपने जान लिया, अब एक बार आप इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लीजिए। इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेट्स हियर इट। क्लच दबा के स्टार्ट होगी, क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी कितनी प्यारी लगती है जब ये स्टार्ट होती है, ये सुनिए आवाज। वो अब एक बार गाड़ी पे बैठ के इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में बता देता हूँ आपको। तो अगर मैं सीटिंग पोस्चर की बात करूँ तो मेरे जो पैर हैं वो मेरी बॉडी से आगे हैं, तो दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। बट जो हैंडल बार है दिस इज़ वेरी स्ट्रेट एंड ब्रॉड, बट स्ट्रीट के कंपेरिजन में थोड़ी सी आगे है, मतलब आपको थोड़ा लीन ऑन होता है तो आपका इस पर स्पोर्टी पोस्चर आ जाता है। एंड अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात बताऊं तो इसमें बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, यू हैव एन ओडोमीटर, यू हैव न्यूट्रल फाइंडर, यू हैव इंडिकेटर्स, ABS लाइट, इंजन लाइट, एंड फ्यूल का आपका एक रिजर्व की लाइट है जिसमें आपको फ़ौरन पता चल जाता है अगर गाड़ी रिजर्व में पहुंच रही होती है। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ ABS है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी टॉर्की बहुत है गाड़ी, मतलब जो इसका वी ट्विन है, इंस्टेंट जैसे ही आप स्टार्ट करके आप एक्सीलरेटर देते हो ये फ़ौरन पिकअप मारती है गाड़ी। चलिए अब बहुत सारी हो गई बातें, अब एक काम करते हैं, अब लेते हैं राइड बाइक की, तो लेट्स गो। ये देखिए ये है टॉर्क इसका, पंच एकदम से, मतलब आप जैसे एक्सेलरेटर देंगे वैसे ही पंच मिलेगा आपको। यार कितनी कंफर्टेबल है ये चलाने में, मतलब लोग यार यहाँ पे बड़ा ऊट पटांग चलाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। चश्मा लगा कि स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी चाहे भाड़ में। ये देखिए अब कार लेके उल्टे चले आ रहे हैं, चलो लेट्स फोकस। मतलब पंच तो बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, आपको क्या बताऊँ मैं, आई कांट एक्सप्लेन यू द फीलिंग, बट येस आई एम ट्राइंग टू, कि भाई जैसे ही आप गाड़ी को एक्सेलरेटर देते हो, और इतना प्यारा लग रहा है इसको कर्व में ले जाना।
रोड पे ही ट्रक खड़ा है। मतलब इट इज़ लाइक आपको फील भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ी कितनी जल्दी है स्पीड पकड़ लेती है। एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रूज ऑन दिस बाइक, मतलब नहीं भाई क्यों अग्रेसिव चलाना है, मस्ती में चलाना है, मज़े में चलाना है, वो भी करिए आप आराम से। देखिए बैठिए, इतना बढ़िया पोस्चर है इसका, जैसे आप लग रहा है जैसे घर पे बैठे हों किसी गद्दे पे, आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं, पैर आपके आगे हैं, आराम से आप इसमें क्रूज़ करिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए जाइए। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं लॉन्ग रूट्स के लिए हार्ले। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम राइडिंग अ हार्ले, सो थैंक्स टू नितीश भाई जिनकी वजह से आई एम राइडिंग दिस। नाउ भैया इज यूजिंग फोन। फोन चलाते चलाते गाड़ी चला रहे हैं। डोंट यूज फोन। चलो भाई बहुत अच्छा आदमी था जिसने बात एक बार मैंने बोला और उसने फ़ोन हटा के रख दिया। नहीं तो कोई कुछ लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि आप बोलते रहो कि भाई हटा लो, बट दे डोंट रिमूव देयर फ़ोन। अब इनका हेलमेट नीचे रखा हुआ है क्योंकि स्टाइल मानना है, तो भाई स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जान जाए मगर स्टाइल ना जाए। भाई दिन की गर्मी होने लगी है, बताओ यार फरवरी का महीना है, दिन की गर्मी गर्मी ऐसे जैसे मई आ गई हो। अबे रोड पे भाग रहे हैं भाई, इन्हीं सब से बच के चलना होता है, पतंग मांझा आप क्या बताएं यार, ये रोड तो ऐसा है जैसे बच सको तो बच लो। ये देखिए आप इसमें लीन करने में कितना मज़ा आता है, बिकॉज हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कितना नीचे होता है, मतलब इट्स वेरी नियर टू द ग्राउंड, तो इसको कॉर्नर करने में बड़ा मज़ा आता है। ये तो थाईज का पोर्शन है गाइस, मैं कैसे बताऊं कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। बड़ा मजा आ रहा है यार इसको चलाने में, मतलब इट्स लाइक बड़ा अजीब सा लग रहा है, रोड खत्म हो गई। मतलब कंपेटिवली मैं आपको बताऊं बाइक के बाकी बाइकों से इस बाइक के जो हमारे रियर ब्रेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज अभी तक जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी उनको ये तो समझ में आ गया होगा मैं इन डेप्थ रिव्यूज़ नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट राइड रिव्यूज़ करता हूँ जिसमें भाई गाड़ी का फील कैसा है, गाड़ी की पावर कैसी है, ये थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। बस ये है कि भाई जो लोग नए हैं चैनल पर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना जो YouTube स्टूडियो है YT स्टूडियो है उस पर एक डेटा मैंने देखा जिसमें आई वॉज एबल टू सी दैट ऑलमोस्ट लाइक 80% पीपल, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 80% पीपल या फिर जितना भी आप देख पा रहे हो इसमें दे आर वॉचिंग माई चैनल बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो प्लीज़ मेरी उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वी आर 3000 एंड स्ट्रॉन्ग टिल नाउ एंड वील गो फॉरवर्ड, बट वो होगा तभी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। भाई वीडियो देखते हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, दो बटन है जो बिल्कुल नीचे होते हैं वीडियो के, उनको ज़रूर दबा दो, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी कंटेंट लाने के लिए, एंड देन दिमाग दौड़ता है भाई कि आगे मैं क्या करूँ अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्यूल इंजेक्टेड फैमिली के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल, एंड जैसा भी अगर आपको फील हुआ हो
कि भाई कोई चीज़ है जो मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार। मैं तो भाई इंसान गलती की मूरत होती है एंड मैं गलती सुधारने को तैयार हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो मेरी गलतियाँ बताएंगे, आई विल इम्प्रूव इट एंड आई विल कम बैक टू यू विद इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ गाइस। ड्राइव सेफ, ड्राइव सेंसिबल, टेक केयर गाइस।